अंडर वाटर डांस में ये है कि पहला चैलेंज तो ये है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी डांस कर रहे हो, उसको आपको सांस रोक के करना है। शुरू शुरू में ये हो रहा था कि मैं अंदर ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता था, तो वो एक साल लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में कि मैं अंदर डांस कर पाऊँ। अभी मैं 10 फीट डीप में डांस करता हूँ, तो वो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मेरी बॉटम पे होती है। और मेन चीज़ है बैलेंसिंग, क्योंकि पानी में जब हम डांस कर रहे होते हैं तो पानी का जो भी फ्लो हो तो वो हमें या तो ऊपर धकेलता है या साइड में लेके जाता है, तो वो स्टेबल रह के हमें वो डांस मूव्स करने हैं। પાણીની અંદર મૂનવોક અને સ્ટંટ કરનારા આ છે જયદીપ ગોહિલ, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયા છે. જયદીપને ઘણા લોકો ભારતના હાઇડ્રોમેન પણ કહે છે. મેરા જન્મ રાજકોટમાં હી હુઆ હૈ, મેં રાજકોટમાં હી બડા હુઆ હું. મેરે મમ્મી હાઉસવાઇફ હૈ और मेरे फादर हैं, उनका रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है. और मैंने एक अलग लाइन चूज़ की है. मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मैंने आत्मीय इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना ख़त्म किया है. पानी से अगर बोले तो वैसे तो बचपन से ही मैं पानी से बहुत अट्रैक्ट होता था बचपन से ही, क्योंकि जब मैं 5-6 साल का था तभी ना हम लोग कहीं भी बाहर घूमने जाते थे ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसा दिखे कि नदी या ऐसा कुछ दिखे तो पापा हमको वहाँ लेके जाते थे और बोलते थे कि चलो यहाँ नहाते हैं. तो वो टाइम से ही मुझे पानी के साथ बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया था. और वहाँ से एक जो मेरा डर होता है लोगों का कि पानी से उनको डर लगता है, वो डर वहाँ से निकल गया था. मैं 4 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ. अभी रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले ही एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैं 4 मिनट तक पानी के अंदर रहता हूँ. उससे पहले 1 साल पहले मैं 3 मिनट तक रहता था, उससे पहले 2 मिनट. तो धीरे धीरे 10 सालों में यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं 4 मिनट तक. और मेरा एक गोल है कि मैं 10 मिनट तक अपनी सांस रोकूं. પાણીની અંદર જુદા જુદા કરતબ કરીને તેમના વિડીયો બનાવીને તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મૂક્યા હતા. અને હવે આ વિડીયો ઇન્ટરનેટ પર પણ ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. મૂનવોક ભી બહોત ચેલેન્જિંગ હૈ વૈસે, ક્યુંકિ જો બહાર હમ મૂનવોક કરતે ઉસમેં ના હમ લોગ ઇઝીલી પીછે જા સકતે હૈ મૂનવોક કરતે કરતે, બટ પાણી કે અંદર પાણી હમકો રેઝિસ્ટ કરતા હૈ, તો વો ઇતની સ્પીડ સે હમ પીછે આ નહીં સકતે. તો ઉસકે લિયે હાથ કી મૂવમેન્ટ ઓર પેરો કી મૂવમેન્ટ, મેં બોટમ પે મૂનવોક કરતા હું, ફિર ઇનવિઝિબલ સ્ટેજ પે કરતા હું જહાં પે કુછ હોતા નહીં, બટ ઉસ લોગો કો એસા લગે કે યહાં કોઈ પ્લેટફોર્મ હૈ ઓર વહાં પે વો મૂનવોક કર રહા હૈ. फिर मैं उल्टा मूनवॉक करता हूँ सरफेस के ऊपर, तो सारी डायरेक्शन में मूनवॉक करता हूँ. एक बार मैं टीवी में आया और उसके बाद धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि कोई ऐसा लड़का था जो पानी के अंदर डांस कर रहा था. लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया में मैंने अपना अपडेट देना शुरू किया, उसके अंदर अलग अलग यूनिक वीडियोज़ मैंने अपलोड करने शुरू किया, तो वहाँ से मेरा नाम हाइड्रोमैन मैंने रखा. क्योंकि जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में था तो मेरा नाम था जयदीप, और उसके बाद मैंने हाइड्रोमैन अपने से ये नाम क्रिएट किया और वहाँ से मेरा हाइड्रोमैन नाम आज फेमस है. जो भी मुझे मैं बॉडी के लिए जो भी करता हूँ आज, वो फिटनेस के लिए मुझे सिर्फ स्प्राउट्स खाता हूँ मैं सुबह. और बाकी वैसे अगर बात करें तो मेरा गॉड गिफ्टेड है पूरा, कि मेरे जो हाथ है वो मेरी बॉडी की साइज़ से ज़्यादा लंबे हैं, और मेरे जो जॉइंट्स है वो भी एकदम फ्लेक्सिबल. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टच हो जाएगा. ये पहले से ही गॉड गिफ्ट है कि मैं जो ये कर पा रहा हूँ वो पहले से ही डिसाइड हुआ होगा कि ये करेगा. जो भी लोग मुझे बोलते हैं कि तू ये क्या करने वाला है, वो आज देख के मुझे ये बोलते हैं कि यार तू कैसे कर रहा है ये. पहले वो ये पूछते थे कि तू क्यों कर रहा है, आज ये बोलते हैं कि कैसे कर रहा है तू. मैंने ये चीज़ सोची हुई है कि मेरे जैसा कोई कभी भी आ सकता है, बट
पानी के अंदर जो डांस मूव्स मैं कर रहा हूँ वो उसमें ना बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राधर देन कि वो इतना एनर्जेटिक हो। तो मुझे उस पे भरोसा है कि जो मेरा बैलेंसिंग है मुझे नहीं लगता कि वो कोई और कर पाएगा। राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे राधे, राधे।